हाँ हो गया सारी चलते हैं। क्या है हमारी महाना जो ये होता है, ये लकड़ी का होता है ज्यादातर, अक्सर मैंने लकड़ी का देखा है। इन लोगों ने लोहे का बना रखा है भयंकर। ये गाड़ी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। ये बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। सो गाइस आज हमारा गोपेश्वर में लास्ट डे है, मतलब अभी कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कर्णप्रयाग। तो मैं आप लोगों को एक बार से गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। और इस प्यारे से मौसम के साथ आज हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, हमने खाना भी खा लिया, तो अब बस निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी लोग, आई होप के सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया है क्योंकि मैंने कल नहीं नहाया था, ठंडा हो रहा था ना इस वजह से, तो आज मैंने नहा लिया। और अभी मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज मैं बहुत लेट उठ रही हूँ और आज भी मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत ही तगड़ा है। ये देखिए सुबह सुबह गोपीनाथ मंदिर के दर्शन हो गए भगवान, और यहाँ जाने का मन तो है बट लोकेशन के लिए भी निकलना है। और देखिए गाइस, तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की ओर और लोकेशन वहाँ आगे है, क्या बोला, मंडल गोपेश्वर में एक जगह है शायद वो आगे है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और आज वैसे मेरा इस ड्रेस में तो है ही, बट एक और ड्रेस है गढ़वाली ड्रेस, तो उसमें भी मेरा होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये हमारी बहन, ये वाली गाड़ी यहीं रह रही क्या? ये मेरा बैग ऊपर है, मेरे बैग ने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है मेरे बैग ने। और हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे, यहाँ पे आगे एक ब्रिज है और यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ। मैं पिछले बार मैंने ब्लॉग मंगा, जिसने पिछले बार ब्लॉग देखा होगा मेरा चोपता वाला, तो उस टाइम पे मैंने डाला था मैंने तब। और यहाँ पे वैसे यहाँ पे लोकेशन सिर्फ एक ब्रिज है बस, और कुछ नहीं है। घर यहाँ है, अब तो घर का डालेंगे ना गाइस। गाना ऐसा है कि अभी तक हम उस गांव में घर नहीं पहुंचे हैं, तो आज पहुंचेंगे हम वहां घर। बट लास्ट में मुझे ड्रेस चेंज भी करनी है, तो मैं उस चीज़ की मुझे खुशी हो रही है। यस खुशी, कल से एक ही ड्रेस में वीडियो और दूसरी चीज़ की वो ड्रेस गलवाली ड्रेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे कुमारी ड्रेस भी अच्छी लगती है, बट मुझे पसंद है इस टाइप की ड्रेस पहनना। ये कर रहे हैं नहीं, क्या कर रहे हैं, वही ना लाइट्स भी रहे हैं। इसको हमारे वहाँ बोलते हैं बिजली का पोल। हमारे इधर बिजली का भी पोल बोलते हैं, बिजली का पोल बोलते हैं इसको, खंबा, बिजली का खंबा। जो ये होता है ये लकड़ी का होता है ज्यादातर, अक्सर मैंने लकड़ी का देखा है। इन लोगों ने लोहे का बना रखा है भयंकर। अब हम जा रहे हैं दूसरे शूट की लोकेशन में, और नोएडा और भी बोल दो नहीं नोएडा जा रहे हैं अभी। अब तो वैसे कंप्लीट हो गया है बस, मतलब हाँ हाँ, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वैसे कंप्लीट हो चुका है बट थोड़ा सा और बचा है इस ड्रेस में। फिर उसके बाद मैं फिर दूसरी ड्रेस है वो भी थोड़ा ही है। तो अब हम समापन की ओर जा रहे हैं, बट पहले हम लोकेशन में पहुंचेंगे क्योंकि हम घर ही नहीं पहुंचे। मतलब जो हम स्टोरी में दिखा रहे हैं कि मुझे घर जाना है, वो घर का है दिखाया ही नहीं, अब दिखाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। कुछ कहना चाहोगे? ये कहना चाहता हूँ और कहो और तो क्या कहूँ, और तुम कमानी ले रहे हो, बस यही कहूँ कि हम सबके साथ बहुत ज्यादा थकान, बहुत धूप लग रही है बहुत ज्यादा। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, लोकेशन दिखाओ मैम। ज्यादातर गढ़वाली गाड़ी है ना, इसी वाले यहाँ पे होते हैं। और देखिए तो अभी यहाँ पे ड्रेस चेंज होगी,
उसमें मेरी ड्रेस रहेगी पहाड़ी वाली ड्रेस, तो मैं बहुत सारी रील बनाऊंगी यहाँ पे। अभी यहाँ का भी हो गया हमारा और अब हमारा कंप्लीट हो गया क्या शूट? हमने अच्छे से पैकअप क्यों नहीं करा? अब नीचे पे रोड तुम्हारे थे हाँ वही बच्चे लोग नीचे और अभी भूख लगी है। हाय हेलो कैसे हो? देखो पीछे तुम्हारे पीछे बर्फ पड़ी है, देखो ये दिखा बर्फ। हाँ फिर तो इन्होंने तो चेंज कर लिया, मैं भी हाँ चेंज करूँगी। और अब हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हम जाएंगे यहाँ से। और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा, बहुत मज़ा आया। और अच्छा ये बार बार हेयर स्टाइल के लिए बोल रहे हैं, तो इनका नाम क्या है? सुनील हैंडसम। सुनील हैंडसम, इनने मेरे बाल बनाए तो मेकअप भी किया है। अच्छी लग रही हूँ शायद मैं, शायद क्या लग रहा ही होगा। मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक कर रहे हैं ये लोग। तो काफी अच्छा शूट रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा नहीं लगा आप लोगों को? बहुत मजा आया, बहुत ही जबरदस्त शूट रहा है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे और सब खुश हैं। इनको देख के सब इनको काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम भूखे भी रह जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। और अब नीचे जाके हम खाना खाएंगे जबरदस्त वाला, स्ट्रिंग पिएंगे दो बोला है इसने। इन्होंने बोला कि मैं स्ट्रिंग पिलाऊंगा करके, मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पिला दीजिए बस। अरे पी नहीं रही, पता नहीं क्या यहाँ मिल नहीं रही ना। क्या कह रहे हैं गाइस? थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता है, मेरा पर्स वर्स चले गया नीचे जो आज तक गाने में था, अभी तक बाय इसमें रखा है, ऊपर कोई सामान छूटा था। हाँ ठीक है, ऊपर लाई थी पर्स। हाँ अरे पर्स में ऊपर लेके आई थी ना। हाँ तो खो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ? 1,00,000 रुपए तो दे दूँ। 2,00,000 पेमेंट है, 1,00,000 को कोई। अरे उसमें मेरा मेकअप का सामान था, बाकी तो जो कोई बात नहीं। सच में इसमें रखा था ना, एक बार चेक करना इसमें। हाँ, अभी नीचे इसमें होगा ना। तो गौरा म्यूजिक से मेरा नया गाना वीडियो जो अभी तक शूट हो रहा है वो आने वाला है, और ये सब उस टीम के मेंबर हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोड्यूसर है हमारे, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है, आपको बहुत बहुत बधाई हिमानी कोरंगा के साथ नया काम करने का मौका मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अरे हम आए हैं कर्णप्रयाग में और पेटीज खाने का बहुत ज्यादा मन था, बट यहाँ पे ना कहीं पे भी पेटीज नहीं मिल रहे हैं। देखो कर्णप्रयाग का मार्केट है और यहाँ से रानीखेत 134 किलोमीटर है, और बालधाम 66, बद्रीनाथ 125, जोशीमठ 81। मतलब यहाँ से ग्वालदम काफ़ी नज़दीक है, जोशीमठ उससे थोड़ा सा लेट में है, और ये हमारा मार्केट है। ओके ये गाड़ी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है, ये बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट और का मार्केट है, बहुत ही सुंदर सा, बट हम यहाँ से कुछ ले नहीं पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। और कल तो वैसे भी मुझे देहरादून नहीं, कल मुझे दिल्ली निकलना है, तो अभी हमने सिर्फ वो खाया, समोसे खाए बस, क्योंकि वो लोग भी आ गए तो हम जाते हैं। अगर हम शॉपिंग भी करते तो, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया ना, तब और भी लोग आ रहे हैं तो अब जाना है हमने। अंधेरा अंधेरा
आप इधर आओ, मैं हूँ। हाँ, मेरा बैग तो गया। और यहाँ का ना सामने से व्यू पीछे से बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे सब लोग हैं, ठीक है, गर्ल्स वगैरह वही वाला है। चलिए अब बोलो कुछ। मैं गर्ल्स हॉस्टल है, पता नहीं। एक मिनट, हाँ मैं लेके आ रही हूँ, फोटो खींच के भेज दूँ क्या।